हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। सो यूनिट 3 इज़ कंटिन्यू, क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेक्चर नंबर 12। एंड टुडेज टॉपिक नेम इज़ हैश फंक्शन। ओके, सो हैश फंक्शन क्या है, हाउ इट्स वर्क, ये कैसे वर्क करता है। सो हैश जो फंक्शन है वो एक अल्गोरिदम है। ओके, सो अल्गोरिदम बेसिकली आपको, आप सेम वन से स्टडी करते आए हो कि व्हाट इज़ अल्गोरिदम। पहले तो अल्गोरिदम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, सो अल्गोरिदम क्या है, तो अल्गोरिदम जो होता है वो प्रोग्रामेटिकल के जो स्टेप होता है। ओके, सो बेसिक लैंग्वेज में हम कहें तो सी लैंग्वेज में हमने सीखा था कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम उसके पहले स्टेप लिखते हैं कि कैसे हमें प्रोग्राम रन करना है, और उसी तरह से हम कोडिंग करते हैं। ओके, सो इट्स सो तो हैश फंक्शन जो है वो अल्गोरिदम है, और हैश अल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता है वो जानते हैं। तो हैश अल्गोरिदम होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो क्रिप्टोग्राफी में भी हम अल्गोरिदम सीखना होता है, और नॉन क्रिप्टोग्राफी में भी अल्गोरिदम आता है। ठीक है, सो आज हम जो हैश फंक्शन की बात करने वाले हैं वो क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि हैश अल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है। तो हैशिंग अल्गोरिदम इज अ हैश फंक्शन दैट क्रिएट्स यूनिक फिंगरप्रिंट ऑफ डिजिटल डेटा फ्रॉम अबेरेटरी साइज टू अ फिक्स साइज वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि पहले मैंने प्लेन टेक्स्ट लिया है, बाद में हैश अल्गोरिदम लिया है और उसे डाइजेस्ट किया हुआ है। ओके, सो क्या है कि यूजर थ्रू जो भी प्लेन टेक्स्ट डालते हैं वो हम हैश अल्गोरिदम में मीन्स के डालते हैं, तो वो हैश अल्गोरिदम थ्रू हमें कोडिंग जो है वो इस तरह से मिलता है, यानी कि हम हमारी लैंग्वेज में कहे तो आउटपुट। ओके, पर क्रिप्टोग्राफी की लैंग्वेज में हैश अल्गोरिदम का जो भी आउटपुट मिलेगा उसे हम डाइजेस्ट नाम से जानते हैं। ओके, सो ये जो अल्गोरिदम है वो वन वे फंक्शन है। ओके, सो वन वे फंक्शन इसे क्यों कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले उसे हमें किस तरह से करते हैं, इसका यूज़ किस लिए करते हैं। तो हैश अल्गोरिदम का यूज़ हम हमारे डेटा की कंपेरिजन और इंटीग्रिटी बढ़ाने के लिए हम हैश अल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी हमें आउटपुट का जो डाइजेस्ट, यानी कि जो डाइजेस्ट मिलता है वो अलग अलग मींस के लोग होते हैं, वो हैश फंक्शन को अलग अलग नाम से जानते हैं, जो है हैश वैल्यू, हैश कोड, डाइजेस्ट और सिंपली हैजीज। ओके, यानी कि इससे आप हैश वैल्यू भी कह सकते हो, डाइजेस्ट भी कह सकते हो, कोड भी कह सकते हो, हैजिंग भी कह सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हैश अल्गोरिदम क्वालिटीज। तो हैश अल्गोरिदम क्वालिटीज क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया हुआ है, और जो आगे इमेज ली हुई थी वही इमेज मैंने इसमें ली हुई है। ठीक है, सो इनकी हैज अल्गोरिदम के मेन थ्री क्वालिटीज है, और वो क्या है, तो इनपुट डेटा फ्रॉम अबेरेटरी साइज टू रिटर्न फिक्स साइज वैल्यू। ओके, यानी कि यूजर थ्रू जो भी टैक्स हम डालेंगे वो टैक्स प्लेन टैक्स कहलाएगा, और वो प्लेन टैक्स हम हैज अल्गोरिदम में रन करने के लिए डालेंगे। ओके, यानी कि हैज फंक्शन में, और इस तरह से क्या हमें आउटपुट मिलेगा वो डाइजेस्ट होगा। ओके, सो सिंपली हम मैं बता देती हूँ कि सी लैंग्वेज में हम क्या करते थे कि सी का जो हमारा कोडिंग होता था वो टर्बोसी में करते थे, उसके रिलेटेड हम अलग अलग फंक्शन के यूज करते थे, और उसका जो आउटपुट मिलता था वो प्रोग्राम रिलेटेड होता है। तो वैसे ही इसमें है कि जो हम फंक्शन का यूज करते थे अलग अलग फंक्शन थ्रू, तो हमें आउटपुट मिलता था, तो इसमें वो ही है कि हैश फंक्शन के अलग अलग जो फंक्शन है अल्गोरिदम, हैश के अलग अलग अल्गोरिदम के जो फंक्शन है वो ही इसमें यूज करने। तो सबसे पहली जो क्वालिटीज है वो क्या बताती है हमें कि इनपुट डेटा फ्रॉम अबेरेटरी साइज टू रिटर्न फिक्स साइज वैल्यू, यानी आप टैक्स जो भी डालोगे उसकी जो साइज होगी, यानी कि हम जो भी फंक्शन यूज करेंगे उसके अंदर वो टैक्स की साइज कोई भी होगी पर उसकी बिट की साइज सेम आएगी। यानी कि सपोज कि मैंने पहले ली हुई है टैक्स ए, बाद में टैक्स ली हुई है ए बी सी 1 2 3, थर्ड टैक्स ली हुई है पर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दिस इज लास्ट में मैंने ली हुई है कंप्लीट फाइल, यानी कि मेरे पास एक कंप्लीट पीडीएफ फाइल है, वर्ड फाइल है, उसे मैं हैज अल्गोरिदम में हैज फंक्शन थ्रू मींस के
रन कराना चाहती हूँ तो भी मुझे एक ही बिट का साइज मिल गया। क्यों? क्योंकि इस सभी में मैंने MD5 फंक्शन का यूज किया है। तो व्हाट इज MD5? तो इसे हम मैजेस्ट डाइजेस्ट 5 भी कह सकते हैं। इस तरह के हैज अल्गोरिदम में अलग अलग फंक्शन आते हैं, जैसे कि SHA अल्गोरिदम है, SHA-1 है, SHA-255 है, SHA-55 है, SHA-365 है, MD5 है, हैज फंक्शन है। ये अलग अलग तरीके की हैजिंग फंक्शन है। तो उसमें मैंने क्या किया है, हर एक टैक्स के लिए मैंने MD5 फंक्शन का यूज किया है, इसलिए उसमें जो भी टैक्स होगी वो 128 बिट्स की मुझे बताएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वालिटी हमें क्या बताती है कि आउटपुट डाइजेस्ट हैज यूनिक वैल्यू। व्हाट इज यूनिक वैल्यू, इसमें यूनिक वैल्यू क्या है? तो हम जो भी टेक्स्ट डालेंगे, प्लेन टेक्स्ट हम जो भी हैज फंक्शन में हम रन कराने के लिए डालेंगे, तो हर एक का डाइजेस्ट जो होगा वो अलग अलग आएगा, नहीं के सेम। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मैंने फॉर टैक्स ली हुई है उसका जो डाइजेस्ट मैसेज आया हुआ है वो अलग अलग है, इसलिए उसे यूनिक वैल्यू भी हम कहते हैं। नेक्स्ट आएगा कि इनफिजिबल टू इन्वर्ट। व्हाट इज इनफिजिबल टू इन्वर्ट? सो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो 12 जो क्रिप्टोग्राफी की जो टेक्निक थी उसमें हम क्या डालते थे कि सपोज हम प्लेन टेक्स्ट लेते थे, उसे हम इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट कर सकते थे। पर हैज एल्गोरिदम में क्या होगा, हम जो भी प्लेन टेक्स्ट लेंगे उसे हम न तो इंक्रिप्ट करेंगे न तो हम डिक्रिप्ट करेंगे, उसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये वन वे फंक्शन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे वन वे फंक्शन क्यों कहते हैं। तो सो इसे वन वे फंक्शन इसलिए कहते हैं कि हम जब भी कोई भी प्लेन टेक्स्ट थ्रू हमारा मैसेज हैज फंक्शन में रन कराने के लिए डालेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट थ्रू हम ओरिजिनल मैसेज नहीं जान सकते, इसलिए हम इसे वन वे फंक्शन या इन्वर्ट प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट यानी कि क्रिप्टोग्राफी की जो भी टेक्निक थी उसे उल्टा मीन्स के वर्क करता है। इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट प्रोसेस में क्या होता था, जो भी हम प्लेन टेक्स्ट डालते थे, जो भी हमारा मैसेज हम डालते थे क्रिप्टोग्राफी की अलग अलग टेक्निक में, तो जो भी हमारा साइफर टेक्स्ट आता था वो साइफर टेक्स्ट थ्रू हम ओरिजिनल मैसेज क्या है वो हमें पता चल सकता था। पर इसमें कुछ भी नहीं होगा, आप एक बार ए फंक्शन आपका मैसेज रन हो जाए फिर उसका आउटपुट आएगा वो फिर से आप हैज फंक्शन में डालोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, यानी कि आपकी जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट है वो नहीं बताएगा। तो इस तरह से ए जो टेक्निक है ये बहुत ही सेफ है। सो किस तरह से सेफ है तो हम नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल थ्रू। सो यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड हैजिंग की मैं आपको टेक्निक बताती हूँ। सो ये किस तरह से सेफ है, तो सपोज यहाँ पे आपको आइडिया आ ही गया होगा कि ये मैंने फेसबुक पेज का लॉगिन का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जो इसमें क्या है कि यूजर नेम मैंने हाइड नहीं रखा है पर मेरा जो पासवर्ड है वो मैंने हाइड रखा है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं अपने फेसबुक पेज को लॉगिन करना चाहूँगी तो मुझे कंपलसरी जो मेरा पासवर्ड है वो डालते। तो अब हम पासवर्ड क्यों रखते हैं, तो मैंने आगे भी बताया है कि पासवर्ड हम इसलिए रखते हैं कि हमारा जो कोई पेज है, हमारा जो सीक्रेट डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, कोई उसे देख न ले। लोगों के बचाने के लिए हम हमारे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, हर एक टेक्निक में, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर एक में हम हमारा पासवर्ड रखते हैं। हम हमारे लोग से तो बचा सकते हैं, ठीक है, हमारे घर वाले ओपन ना कर ले, हमारे रिलेटिव उसे देख ना ले, इसे तो हम बचा सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड लगा के। पर ये जब आप पासवर्ड डालते हो तो उसका जो सर्वर होता है उस डेटाबेस में ये आपका जो पासवर्ड है वो सेव हो जाता है, तो उसके लोगों से आप कैसे बचोगे? वहाँ के जो सर्वर है मींस के जो ये फेसबुक के जो ओनर है, जो फेसबुक का पेज क्रिएट करते हैं, उसका टोटली हैंडलिंग जो भी कंपनी करती है उसी लोगों को तो पता होता है कि इस बंदे ने क्या पासवर्ड डाला है, उसको तो पता होता है। तो वो आपका पासवर्ड और आपका ईमेल यानी कि ईमेल आईडी लेके कभी भी
अब वो ओपन करके आपका डेटा देख सकता है। तो इस टेक्निक में क्या करना है आपको, तो सपोज हैज एल्गोरिदम इसी तरह वर्क करता है कि ए जब भी आप मैसेज डालते हो तो वो डायरेक्ट हैजिंग एल्गोरिदम में जाएगा और बाद में डेटाबेस सर्वर में जाके वो स्टोर हो जाएगा। जब डेटाबेस सर्वर में स्टोर होगा तो यहाँ पे जो यूजर नेम है उसका जो पासवर्ड है हैजिंग एल्गोरिदम थ्रू, तो आपको इस तरह से बताएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं एक आपको बताती हूँ कि एक वेबसाइट है कि जैसे हम ये ऑनलाइन टूल्स हैजिंग फंक्शन की है और एक उबंतु की है, ओके। तो इसमें आप जो भी मैसेज डालोगे और हैज फंक्शन के जो भी फंक्शन थ्रू आप उसे हैजिंग कराना चाहोगे तो आपको एक ही मैसेज का अलग अलग फंक्शन थ्रू आप इसे रन कराते हो तो किस तरह से आउटपुट मिलता है वो हम इसमें देखेंगे। और रिलीज उबंतु यानी कि उबंतु में कई सारी ऐसी फाइल है जो आप अपने कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट में देख के आप रन करवा के उसे आप देख सकते हो कि किस तरह से वर्क कर। पर इससे पहले मैं आपको जो आगे मैंने जो एग्जांपल बताया वही आपको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि एक कैसे वर्क करता है। सो सपोज यहाँ पे मैं लिखती हूँ यहाँ पे माय पासवर्ड, ओके, माय पासवर्ड यानी कि इंडिया, यानी कि इंडियन, ओके। सपोज ये मेरा पासवर्ड मैंने रखा है इंडियन, ओके। तो जब भी मैं अपना मैसेज में अपना पेज जो कोई भी पेज है उसका पासवर्ड मैंने सपोज के इंडिया रखा हुआ है तो ये इंडियन पासवर्ड से मैं लॉगिन करवाऊंगी तो क्या है हमारे लोग नहीं जान पाएंगे कि उसके डेटा क्या है। पर ये पासवर्ड जब भी डेटाबेस जहाँ भी इस मीन्स के एप्लीकेशन का जहाँ पर भी सर्वर है उसमें तो स्टोर होगा ना डेटाबेस में, तो वहाँ के देख सकते हैं कि इस बंदे का ईमेल आईडी वो है और उसका पासवर्ड ये है वो देख सकता है। पर इससे मैं एक फंक्शन थ्रू सपोज के डालती हूं कि सपोज के इसे मैं एक फंक्शन थ्रू डालती हूं और इसका जो होता है आउटपुट वो कुछ इस तरह से मिलता है, ओके। यानी कि ये इंडियन का जो भी एक फंक्शन थ्रू मैं इसे फंक्शन में कोई फंक्शन में कन्वर्ट करके डालती हूँ तो मुझे इंडियन का जो डाइजेस्ट मैसेज है वो इस तरह से मिलता है। तो यही मैसेज अगर मैं अपने पेज पर रखती हूँ पासवर्ड के तौर पे तो सामने वाला बंदा भी नहीं जान पाएगा कि उसका ओरिजिनल मैसेज क्या है। वही मैं आपको यहाँ पे जो है हैजिंग पासवर्ड में वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सपोज यहाँ पे मेरा जो भी पासवर्ड है ओरिजिनल अगर मैं उसे हैजिंग फंक्शन में डाल के उसका इस तरह से का जो डाइजेस्ट मैसेज मुझे मिलता है वो अगर मैं यहाँ पे रख के मैं अपना पेज लॉगिन करवाती हूँ तो जो भी डेटा होगा वो डेटाबेस में भले ही एफवी के सर्वर पर सेव होगा तो भी वहाँ के लोगों को पता नहीं चलेगा कि इस बंदे ने मैसेज क्या रखा है। तो सिंपली हैजिंग फंक्शन का हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हम हमारे डेटा की जो है वो कंपैरेटिवली चेक कर सके, इसकी इंटीग्रिटी बढ़ा सके, इसलिए हम हैजिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मैं आपको जो टूल्स बताए थे वो इसमें से है ऑनलाइन हैज फंक्शन। तो यहाँ पे मैं एक ही मैसेज लिखूंगी पर उसके अलग अलग हैज एल्गोरिदम के अलग अलग जो फंक्शन है उसी में अलग अलग से मैं रन करवाऊंगी तो आप देखोगे कि उसका आउटपुट है वो एक ही वर्ड का हर एक एल्गोरिदम में अलग अलग आपको दिखाई देगा। सपोज के मैं यहां पे लिखती हूं हेलो एवरीवन, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम। तो यहां पे आप चेकबॉक्स में जाओगे ड्रॉप बॉक्स में तो यहां पे मैं सबसे पहले MD2 है इसे मैं हैजिंग हैज दिस करती हूँ तो मुझे इस तरह से का आउटपुट मिलेगा। मेरा मैसेज वही रहेगा सिर्फ मैं यहां से चेंजेस करूंगी। तो देखो फिर MD5 डालती हूँ, देखो आउटपुट जो है रिजल्ट है वो मुझे हर एक एल्गोरिदम से अलग अलग मिलता है। मेरा मैसेज एक ही है हेलो एवरीवन ही, पर मुझे किस फंक्शन में कन्वर्ट करके भेजना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप देख सकते हो कि रिजल्ट अलग अलग मिलता है, ठीक है। तो हैज फंक्शन इस तरह से वर्क करता है, देखो।
ये जो सारे के सारे है वो हैश फंक्शन के अल्गोरिदम है। आप मैसेज एक ही क्यू हो पर इसे अलग अलग तरीके के कन्वर्ट करके आप रिसीवर तक पहुंचा सकते हो। दूसरी जो मैंने बताई थी उबंतु की, ये उबंतु की जो है वो रिलीज, उबंतु रिलीज, इसमें जाके आप ये सबसे पहले आपको उबंतु रिलीज लिखोगे, तो यहाँ से आपको इस तरह की एक टेक्स्ट मिलेगी। ये आपकी फाइल होगी, ये जो सबसे पहली वाली है ये आपकी फाइल है, और ये जो सामने बता रहा है ये उसका आउटपुट है, यानी कि ओरिजिनल मैसेज क्या है वो इस तरह से आपको बताएगा, ठीक है। सो इसे आप सिंपली आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप रन करवा सकते हो। ये देखो, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे रन करवाना है मैं जस्ट आपको डेमो दिखाती हूँ, क्योंकि ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो उसमें मेरा रन नहीं हो रहा है, पर आपका जो कोड है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि किस तरह से आपको ये रन करना है। तो इसके लिए कोड है sertual.hashfile, फिर आपको क्या करना है, जो भी फाइल जिस जगह पे भी डाउनलोड हुई है उस जगह पे जाके उसका पाथ ले लेना है, ठीक है। सपोज कि ये मेरी फाइल जो डाउनलोड हुई है वो डाउनलोड में है, तो मैं क्या करूँगी उसकी प्रॉपर्टी में जाके उसका ये जो पाथ होगा वो पाथ ले लूँगी, और फिर कमांड प्रॉम्प्ट में क्या करूँगी उसे पेस्ट करूँगी, और बाद में क्या लिखूंगी .txt.md5 और एंटर करना है। तो आपकी फाइल अगर डाउनलोड हो गई होगी तो डाउनलोड बताएगी, नहीं होगी तो नॉट बताएगी। तो इस तरह से आपको cmd फंक्शन का यूज़ करके, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके आप अलग अलग फाइलें, जैसे कि md5 है, sha-sham है, तो मैंने md5 लिखा है उस जगह पे, आप अगर इस फाइल को डाउनलोड करते हो तो sha-1 लिखने का। इसी तरह से अलग अलग जो आगे का कोड है वो सेम रहेगा, सिर्फ पाथ चेंज होगा, और जो मैंने md5 लिखा है इस जगह पे आपको sha-1 लिखना होगा, ठीक है। सो आप अपनी ओरिजिनल उसमें आप देख सकते हो कि आपका जो फाइल है उसमें किस किस का यूज़ किया हुआ है, किस फंक्शन का यूज़ किया, किस सर्वर से यूज़ किया गया है, वो सब आपको दिखाई देता है। सो आई थिंक क्लियर अबाउट कि हैश फंक्शन क्या है। तो अगर आप को अभी भी डाउट है कि हैशिंग फंक्शन किस तरह से वर्क करता है तो आप मुझे फिर से बता सकते हो, तो मैं आपको फिर से समझाऊंगी। तो भी मैं एक बार वीडियो एंड करने से पहले बता देती हूँ कि हैशिंग फंक्शन जो है उसकी वैल्यू जो होती है वो यूनिक होती है, उसे वन वे फंक्शन बोला जाता है। उसका यूज़ हम डेटा कंपेयरिंग एंड इंटीग्रिटी चेक करने के लिए करते हैं। हम जो भी प्लेन टेक्स्ट मैसेज हैज एल्गोरिदम में डालेंगे तो उसका डाइजेस्ट मैसेज होगा वो इस तरह से बताएगा, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। सपोज कि आप अब सोच रहे हैं कि इसमें अटैक नहीं होता होगा, तो हैज एल्गोरिदम में भी अटैकर जो है वो अटैक कर सकते हैं, पर उसमें हमें तुरंत पता चल सकता है कि हमारे मैसेज में अटैक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जो भी प्लेन टेक्स्ट डालेंगे हैश फंक्शन में, तो हैश फंक्शन में डालते ही हमारा जो डाइजेस्ट मैसेज होगा तो इस तरह से वर्क करेगा। पर सपोज के मैं यहां पर लिखती हूं फॉर एग्जाम्पल ओके, कि सपोज कि माय नेम इज जिमी, ओके, तो उसे मैं हैश फंक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे मैसेज जो है वो इस तरह से बताएगा, ओके, यानी कि मेरा जो ओरिजिनल मैसेज है वो, ये जो मैसेज है वो मैं हैश फंक्शन में डालूंगी तो मुझे इस तरह से बताएगा, और मैं रिसीवर तक पहुंचाऊंगी। तो रिसीवर को क्या पता चलेगा कि जब भी ये बीच में अटैक हो जाता है तो तुरंत मुझे पता चलेगा कि अटैकर जो है, यहाँ से स्पेलिंग अगर थोड़ा सा भी चेंज कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं तो उसकी कोडिंग में जो होती है वो मींस के क्या आ जाता है, उसका आउटपुट तुरंत ही अलग बता देता है। तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि हमारे मैसेज के साथ
किसी ने छेड़खानी की हुई है, तो इस तरह से हमें तुरंत पता चल जाता है कि जो ओरिजिनल मैसेज रिसीवर को भेजा गया है उसमें कुछ ना कुछ तो किया गया हुआ है। तो इस तरह से जो हैज़ एल्गोरिदम है वो वर्क करता है।